बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नादा पोएट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक इंतहाई दिलचस्प और सबक मौज़ वाक़या बयान करूँगा। ये वाक़या है एक नेक दिल बादशाह और उस कुम्हार का, जिसने बादशाह बनने की गर्ज से एक रात बादशाह की जगह कब्र में गुजारी। उसने ऐसा क्यों किया, कब्र में रात गुजारने की ज़रूरत पेश क्यों आई, और क्या वो बादशाहत हासिल करने में कामयाब हुआ? सुनिए एक इंतहाई दिलचस्प और सबक मौज़ वाक़या जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर अभी तक आपने नादा पोएट को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी नादा पोएट को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुँचती रहे। शुक्रिया। पुराने ज़माने की बात है कि किसी मुल्क पर एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था। वो अपनी राया पे बहुत मेहरबान और शफीक था। उसकी अपनी तो कोई औलाद नहीं थी, लेकिन वो अपनी राया को ही औलाद की तरह समझता था। यही वजह है कि लोग खुशहाल और पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे थे। बादशाह ने अपने लोगों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जगह जगह बागात लगवाए, कुएँ खुदवाए और बंजर ज़मीन को सैराब करने के लिए मसनू नहरें भी बनवाईं। नीज के मुलक दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करने लगा। इस मुलक के लोग भी अपने बादशाह से बहुत मोहब्बत रखते थे, लेकिन उन पर अचानक एक आफत आन पड़ी जो कि बादशाह की बीमारी की सूरत में थी। बादशाह अचानक बीमार पड़ गया और दिन ब दिन उसकी सेहत बिगड़ने लगी। बादशाह बहुत फ़िक्रमंद रहता, क्योंकि वारस ना होने की वजह से बादशाह को फ़िक्र थी कि मेरे मरने के बाद मुल्क में अफरा तफरी फैल जाएगी और इक्तदार के लिए खींचा तानी शुरू हो जाएगी। आखिर उसे एक दिन एक तरकीब सूझी। उसने ऐलान करवाया कि जो मेरी जगह एक रात कब्र में गुजारेगा उसे मुल्क का नया बादशाह बना दिया जाएगा। इस अजीबोगरीब ऐलान पर लोग बहुत हैरान हुए, लेकिन जब ये खबर कम्हार तक पहुंची तो उसने सोचा कि क्या सारी ज़िंदगी मिट्टी के बर्तन बनाकर गुजारा करता रहूँगा, क्यों ना मैं एक रात कब्र में गुजार कर मुल्क का नया बादशाह बन जाऊँ। वो गधे पे सवार हुआ और जा बादशाह को सलामी दी और कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपकी जगह एक रात कब्र में गुजारने के लिए तैयार हूँ। बादशाह ने पूरे मुल्क में मनादी करवा दी कि फलां दिन कम्हार को मेरी जगह एक रात के लिए कब्र में डाला जाएगा। मकर्रा दिन पर अवाम का एक जमे गफीर इकट्ठा हो गया और कुम्हार को कब्र में उतार दिया गया। कुम्हार को कब्र में उतारना ही था कि फरिश्ते आन पहुँचे और उससे हिसाब मांगने लगे। कुम्हार ने कहा कि मेरे पास एक गधे के सिवा कुछ नहीं था, मैं आपको हिसाब किस चीज़ का दूँ। फरिश्ते मुतमिन हो गए और वापस लौटने लगे कि एक ने कहा, चलो इसका नामा इमाल तो खोल के देख लेते हैं। उसका नामा इमाल खोलना था कि कुम्हार का बुरा वक़्त शुरू हो गया और फरिश्ते कहने लगे कि फ़लां दिन तुमने गधे को भूखा रखा और इस पर कोड़े बरसाने लगे, फ़लां दिन तुमने गधे पर ज़्यादा बोझ डाला, फ़लां दिन तुमने गधे को धूप में बांधे रखा, फ़लां दिन तुमने काम ज़्यादा लिया और खाने को कम दिया, फ़लां दिन तुमने बिला वजह गधे को मारा। हत्ता के सारी रात गुजर गई, लेकिन कुम्हार एक गधे का हिसाब भी ना दे सका। सुबह होते ही लोग कब्र के गिर्द इकट्ठे होने लगे ताकि अपने बादशाह का इस्तकबाल कर सकें। आखिर कुम्हार को कब्र से निकाला गया और लोग नारे लगाने लगे, मरहबा बादशाह सलामत मरहबा। लेकिन कुम्हार था कि कब्र से निकलते ही भाग निकला। पीछे पीछे लोग भागने लगे कि बादशाह सलामत आप कहाँ जा रहे हैं। कुम्हार एकदम से रुका, दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि आपको आपकी सल्तनत मुबारक, मुझे आप कुम्हार ही रहने दो, मैं सारी रात एक गधे का हिसाब नहीं दे सका तो इतनी बड़ी सल्तनत का कैसे दूंगा। कहा जाता है कि कुम्हार की इन बातों का लोगों पर इतना असर हुआ कि बरसों तक लोग बादशाहत को बोझ समझते रहे, और जिस पर यह जिम्मेदारी डाल दी जाती वो दयानतदारी से अपने अमूर सारे अंजाम देता। इस तरह एक नेक बादशाह की हिकमत काम कर गई और लोग बरसों बादशाह की हिकमत के गीत गाते रहे। प्यारे दोस्तों, औरतों से इंसान बड़ा नहीं हो जाता, बल्कि बड़ा वो है जिसे अल्लाह ताला नेकी के काम करने की तौफीक अता फरमाए और गुनाहों से बचाए रखे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को नेक और साले अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें। शुक्रिया।